मुझे याद है कि उसी समय लालू और नीतीश जी भी ऐसी सरकारों को गुड बाय कहने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को लाने का समय, लालू और नीतीश जी भी कदम कुआं के चक्कर लगाया था। ये लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा, ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में वो बंद थे तब रखा, जिन्होंने अपनी जवानी विचारधारा के लिए लड़ने के लिए तय किया था, वो समझौते में आकर के आजकल उसी इंदिरा परिवार की चौथी पीढ़ी के साथ बलबाइयां कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। ये भी मुझे पता है, ये जो इंडी अलायंस है ये तीन आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टिकरण। मैं यहां खड़ा हूं बिहार में, कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी। बिहार में बीजेपी के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के अवसर पर भाजपा की तरफ से पटना के बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और कैलाशपति मिश्र को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान नड्डा ने अपने संबोधन में लालू यादव और नीतीश कुमार पर जमकर सियासी तीर छोड़े। कहा कि बिहार सरकार लूट, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण में मस्त है, अब ऐसी सरकारों को गुड बाय कहने का समय आ गया है। हमारे ये यहाँ का नेतृत्व जो भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे आकर डूबा हुआ है, भाई को भाई से लड़ाओ, तुष्टिकरण की राजनीति करो, इसमें मस्त है, व्यस्त है, ऐसी सरकारों को गुड बाय कहने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को लाने का समय आ गया है। नारायण जी के सानिध्य में आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे याद है कि उसी समय लालू और नीतीश जी भी कदम कुआं के चक्कर लगाया करते थे। आज मैं सोचता हूं क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी जी के विरोधी थे, ये लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा, ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में वो बंद थे तब रखा था, जिन्होंने अपनी जवानी विचारधारा के लिए लड़ने के लिए तय किया था, वो समझौते में आकर के आजकल उसी इंदिरा परिवार की चौथी पीढ़ी के साथ गलबाइयां कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। ये भी मुझे देखने का मौका मिला। मैं सोचता हूं राजनीति भी कैसी चीज है, कुर्सी भी कैसी चीज है, समझौता करते करते कहां पहुंच गए। यही पटना की धरती पर तुम सोनिया और राहुल को स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, यही विचारधारा की लड़ाई थी, इसीलिए तुमने अपनी जवानी दी थी, इसीलिए तुम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में गए थे। लेकिन सत्ता और सत्ता के साथ साथ सत्ता सुख, इसके साथ समझौता करने वाले ये लोग, इनकी राजनीतिक विचारधारा कहां से चली और कहां पहुंच गई, कहां से संपूर्ण क्रांति और कहां से सामाजिक न्याय से निकल कर ये कहां पहुंच गए, ये अभी हम सब लोगों ने देखा है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा, आजकल ये इंडी अलायंस की बात हो रही है, आप जानते हैं ना इंडी अलायंस, जानते हैं? ये जो इंडी अलायंस है ये तीन आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टिकरण। आप देखिए, मैं आपके सामने भारत का नक्शा खींच के बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर कौन है? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाप बेटा। पीडीपी कौन है? पहले मुफ्ती मोहम्मद, बाद में महबूबा मुफ्ती। आप नीचे आइए, आप देखेंगे शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल, बाप बेटा। आप उससे नीचे आइए, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही है? समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह, अखिलेश और डिंपल, फुल स्टॉप। बस परिवार,
मैं यहां खड़ा हूं बिहार में, कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी। लालू तेजस्वी ये तो माँ पिता बेटा और माता, ये तीनों ही तो कल बेल करा करके आए हैं ना, कल ही तो करा के आए हैं। चारा घोटाला, ये सब भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरा इनका आधार भ्रष्टाचार। मैं यहां एक बात की और आपसे चर्चा करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जहां तक ओबीसी का सवाल है, जो मैंने पहले कहा, चाहे शिक्षा में सेंट्रल स्कूल हो, एमबीबीएस हो, एमडी की सीटें हो, इसमें कुल मिलाकर के 4,00,000 बच्चों को ओबीसी को एडमिशन देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, ये हमको जानना। आज हमारे 27 ओबीसी मंत्री हैं, आज हमारे 85 ओबीसी एमपीज हैं, जितना कांग्रेस पार्टी के एमपी नहीं है उससे ज्यादा हमारे ओबीसी के एमपी हैं। सामाजिक न्याय लाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1,358 एमएलए में 27% एमएलए ओबीसी के हैं और उसी तरीके से 163 एमएलए में एमएलसी में 40% हमारे एमएलसी ओबीसी के हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जितनी भी स्कीमें हैं, जनधन योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, ये सब सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी को हो रहा है। इसलिए मैं मिश्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। बता दें कि इन दिनों आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साधने में लगे हुए हैं, तो वहीं महागठबंधन को मात देने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार की जनता किसे अपना मुखिया चुनती है और किसके सिर सजेगा सियासत का ताज। पंजाब केसरी ब्यूरो रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।